मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का ये 12वां अंक प्रस्तुत है। आज हम जानेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। ये दो भागों में प्रस्तुत होगा। आज के पहले भाग में अजंता की गुफाओं से परिचय प्राप्त करेंगे और दूसरे भाग में अजंता से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो फिर प्रस्तुत है पहला भाग, अजंता की गुफाएं। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, साथ ही प्रस्तुत अंक पर अपने विचार भी लिखें। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद, मिर्जापुर और भीमबेटका आदि क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद चित्रकला की धारा क्षीण हो गई। वैदिक काल और महाजनपद काल में चित्रकला का विस्तृत ब्यौरा नहीं मिलता। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाओं में प्रायः लाल, काले एवं सफेद रंगों से बने चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। जोगीमारा भारतीय चित्रकला की निरंतरता का प्रतीक है। उसके बाद 200 ईस्वी से 700 ईस्वी के काल में अजंता, बाघ और बादामी में भारतीय चित्रकला ने ऊंचाइयों को छुआ। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रों से ही होता है। भारत में मुख्यतः भित्ति चित्रकारी की कलावधि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक है। जिन भित्ति चित्रों ने आज भी भारतीय कला के अतीत का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रखा है, उनमें अजंता का प्रथम स्थान है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के उत्तर में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं का नाम यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता गांव के नाम पर रखा गया है। इन गुफाओं की खोज 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा शिकार खेलते समय की गई थी। उन्हें यहाँ पे कतारबद्ध 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नजर आई। ये गुफाएं अपनी भित्ति चित्रकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार की सह्याद्री की पहाड़ियों में खोदी गईं, जो बघोरा नाम की एक संकीर्ण नदी के ऊपर लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों में लगभग 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के दौरान अलग अलग पीढ़ियों द्वारा खोदी गईं। पहले 29 गुफाएं थीं, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला, जिसकी क्रम संख्या 15A रखी गई, क्योंकि यह गुफा संख्या 14 और 15 के मध्य में अवस्थित है। इस प्रकार कुल यहां पर 30 गुफाएं हैं। चूंकि ये गुफाएं भिन्न भिन्न कालों में निर्मित की गई थीं, इसलिए न तो वे आकार प्रकार में समान हैं और न ही उनके धरातल समान हैं। यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की गुफाएं हैं, एक चैत्य गुफाएं और दूसरी बिहार गुफाएं। तो आइए पहले देखते हैं चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। चैत्य गुफाएं मुख्यतः पूजा स्थल होते थे। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्य गुफाएं हैं। इनमें पूजा के लिए पीछे की ओर एक स्तूप भी निर्मित किया गया था। यहाँ जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वो पूजा ध्यान करते थे। बिहार गुफाएं, ये गुफाएं मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के रहने के आवास के लिए बनाई गई थी। चैत्य गुफाओं को छोड़कर सभी बिहार गुफाएं हैं। कालक्रम की दृष्टि से अजंता की गुफाओं को दो समूह में रख सकते हैं, प्रारंभिक काल और परिवर्तित काल।
तो आइए देखते हैं पहले प्रारंभिक काल। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच सातवाहन काल में निर्मित कुल 6 गुफाएं हैं। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 9 और 10 चैत्य हैं तथा गुफा संख्या 8, 12, 13 तथा 15 बिहार गुफाएं हैं। इस काल में चित्रित चित्रों में शिरोभूषा यानी पगड़ी और उनके आभूषण लगभग तत्कालीन भरहुत तथा सांची के शिल्प में उत्कीर्ण पाए गए हैं। अब आइए देखते हैं परवर्ती काल। लगभग 4 शताब्दियों के अंतराल के बाद अजंता में गुफाओं का निर्माण और अधिक व्यापक स्तर पर किया गया, जो लगभग 3 शताब्दियों तक चलता रहा। इसी युग की गुफाओं में मूर्तिकला और चित्रकला का अत्यंत विकसित स्वरूप पाया जाता है। 5वीं और 6वीं शताब्दी की गुप्तकालीन अजंता की यह मूर्तिकला तथा चित्रकला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अजंता की पहली, दूसरी, 16वीं तथा 17वीं गुफा भित्तियों पर विभिन्न रंगों से किया गया चित्रांकन उत्तम प्रकार के हैं। अन्य गुफाओं में चित्र प्रायः नष्ट हो गए हैं, कुछ चित्र केवल खंडित अवस्था में हैं। इस काल में चित्रित चित्रों में भाव मुद्राओं का अंकन, रंगों का संयोजन, समानुपातिक दिशांकन, सुंदर छाया प्रकाश का नियोजन, भावों का सुंदर और प्रभावी चित्रण हुआ है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई ये तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न जातक कथाओं का चित्रण करती हैं। अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। हीनयान वाले भाग में 2 चैत्य और 4 बिहार हैं तथा महायान वाले भाग में 3 चैत्य और 11 बिहार हैं। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान लगभग 380 ईस्वी से 415 ईस्वी के मध्य और ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के दौरान अपने यात्रा वृत्तांतों में उल्लेख करते हैं। वाकाटक राजाओं में जिसमें हरिसेन एक प्रमुख था के संरक्षण में अजंता की गुफाएं उत्कीर्ण की गई थी। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले सुंदर चित्र भी उकेरे गए हैं, जो कि यहाँ की उत्कृष्ट चित्रकारी व मूर्तिकला के बेहद ही सुंदर नमूने हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों एवं पशुओं की आकृतियों से सजावट का काम तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों के वर्णात्मक दृश्यों के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को ही दर्शाते हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसका निर्माण हरिसेन नामक एक सामंत ने कराया था। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में माता और शिशु नाम का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। अजंता की चित्रकला की एक विशेषता यह है कि इन चित्रों में दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। यहाँ बने चित्र फ्रेस्को तथा टेम्परा दोनों ही विधियों से बनाए गए हैं, हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है। अजंता में जो विश्व प्रसिद्ध चित्र मिले हैं उनकी चित्रकारी तकनीक भी विशिष्ट थी। सर्वप्रथम चट्टान की सतह पर छेनी से छोटे छोटे निशान और खांचे बनाए जाते थे।
ताकि जो भी परत बनाई जाए वह उस पर अच्छी तरह से टिक सके। दीवार एवं छतों की खुरदरी सतह पर पहली परत में लौहमय मिट्टी की खुरदरी परत होती थी, जिसमें पत्थर, मिट्टी, रेत, वनस्पति के रेशे, धान की भूसी, घास आदि भी मिले होते थे। साथ ही ऑर्गेनिक मूल की अन्य रेशेदार सामग्री मिलाई जाती थी। पहली परत के ऊपर पत्थर के महीन बुरादे तथा रेत, सूक्ष्म रेशेदार वनस्पति सामग्री के साथ मिश्रित गारे और लौहमय मिट्टी का दूसरा कोट लगाया जाता था। खाली जगहों को अपेक्षित रंगों से भरा जाता था। इस सतह पर मोटी मोटी रेखाएं खींची जाती थी, फिर खाली जगहों को विभिन्न आभाओं में अपेक्षित रंगों से भरा जाता था और विभिन्न प्रकार की रंगत दी जाती थी ताकि वे गोलाकार और प्लास्टिक की तरह दिखाई दें। यहाँ लाल और पीले, गेरू, टेरा वर्टे से लेकर लाइम, काजल एवं हरे आदि विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजार से भी अधिक वर्ष बीतने के बाद भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ। चमक यथावत बनी है। रंगों और रेखाओं की यह तकनीक आज भी गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। अजंता की चित्रकला व शिल्पकला का भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे अजंता गुफा के चित्रों से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित अपने विचार लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।